अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। और रात का टाइम था, आज हमने दिन के टाइम फ्रिज की डीप क्लीनिंग की थी सिवाय फ्रीज़र की। और ये मैंने सारी डीप क्लीनिंग फ्रिज की खुद ही की है, क्योंकि मतलब सदफ़ नई लड़की है, उसे कुछ पता नहीं है, फ्रिज भी ग्लास का है, तो मैंने कहा सुना उससे ग्लास टूट जाए। और फ्रीज़र हमारा कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी डीप क्लीनिंग की थी, इसमें चीज़ें पड़ी थी, मैंने कही सारी फिनिश हो जाए तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसकी अच्छी तरह डीप क्लीनिंग करूँगी फ्रीज़र की। और कपड़े धोए थे बच्चों के, सॉक्स मैं इधर रखती हूँ क्योंकि बाहर जो है हवा के साथ फिर सॉक्स उड़ जाते हैं, घूम जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल होती है सॉक्स की। उससे पहले भी इस तरह मैं बाहर रखती थी, मुझसे सारे सॉक्स घूम गए थे। एक साइड पर मैंने सूखे बर्तन रखे हैं और एक साइड पर जो मैंने अभी धोए हैं वो रखे हैं। और सुबह के टाइम हम लोगों ने कपड़े भी धोए थे तो ये जो है गीले थे, इस वजह से हम लोगों ने रहने दिया, रात गुजर जाए तो सुबह इसको अच्छी तरह तय करेंगे। और आज हमने खिचड़ी और मसूर की दाल बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त। एक दिन मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी। इसको मैंने अदरक लहसुन और सुरख मिर्चों का तड़का दिया, बहुत ज़बरदस्त लगता है। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती, वैसे मैं हरी मिर्ची डाल देती हूँ, पर हम सब बीमार हैं, बच्चों के मतलब ज़बान पे छाले वगैरह हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली। और अभियान जो है PS5 खेल रहा है और घर बस बच्चों ने थोड़ा बहुत ख़राब कर दिया था, तो ये लाउंज की सफाई मैं थोड़ी बहुत कर लूँगी। और ये हम लोगों ने न्यू साउंड स्पीकर्स लिए हैं, क्योंकि हम मूवी वगैरह जब देखते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, उसकी साउंड सही नहीं आती। मेरे हस्बैंड सो रहे हैं कमरे में, उसकी तबीयत कुछ ख़राब है, उसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। और रात का टाइम था, अपना सारे बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो मैं उसे देखने बाहर गई हूँ। लाइट्स वगैरह सब ऑन है, वीकेंड है, सबके घर मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से हमारी गली में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं। और साथ साथ में मतलब बड़े भी वॉक करते हैं हमारी गली में, हमारी गली का यही सारा मज़ा है। फिर मैं अंदर आ चुकी थी, थोड़ा मैंने भी वॉक कर दिया था, क्योंकि वॉक सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हम ज़रूर मतलब खाना खा लेते हैं 8 बजे, फिर वॉक 8:30-9 तक ज़रूर कर लेते हैं। और वीकेंड था तो सारा यूनिफॉर्म मैंने पहले से ही प्रेस करके रख दिया था, क्योंकि सुबह फिर बहुत मुश्किल हो जाती है सारी चीज़ें इकट्ठा एक साथ करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिर रात को जो है हमारा दिल कर रहा था खाने के बाद, मेरे हस्बैंड उठ चुके थे शवरमा खाने के और बर्गर खाने के लिए, 12 बज रहे थे रात के। और अभियान भी उठा हुआ था क्योंकि वीकेंड था, वो देर से हो जाता था तो वो भी उठा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया। हम हमेशा मतलब वीकेंड में मतलब रात लेट नाइट तक जागे रहते हैं और कुछ ना कुछ मंगवाते हैं। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, ये मैं बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही थी और ये आलू का पराठा मैं बना रही थी। रात से ही पहले मैंने मतलब सारे आलू और इसका मसाला मैंने मतलब बना दिया था, क्योंकि फिर बहुत आसानी होती है सुबह। और इनको मैं ऐसी चीज़ देती हूँ कि इनका पेट स्कूल में भर जाए, क्योंकि ये लोग नाश्ता नहीं करते, इनका दिल ख़राब होता है सुबह सुबह नाश्ता करने से, तो फिर इस वजह से मैं इनके लिए मतलब पराठा या समोसा या फ्रेंच फ्राइज़ बना कर देती हूँ, ताकि इन्हें भूख ना लगे स्कूल में, क्योंकि पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा सख्त हैं और बच्चों को जो है ताकत की चीज़ें देनी चाहिए। इसको अब मैं हाफ काट दूँगी क्योंकि वह बहुत बड़ा है तो मेरे बच्चे पूरे नहीं खा सकते। हाफ मैंने अभियान के लिए रख दिया था, हाफ अफनान के लिए मैंने रख दिया था। तो हमारा लंच शुक्र है रेडी हो गया। जब लंच रेडी हो जाए मैं बहुत खुश होती हूँ। पानी की बोतलें मैंने भर दी थी ठंडे पानी से, क्योंकि फिर स्कूल में गर्म हो जाती है। और अब मैं बच्चों को तैयार करने जा रही हूँ, तो मिठू भी साथ सोया था, बच्चों को रेडी करके मैंने स्कूल भेज दिया था। और ये जो है मैंने आटा गून लिया था, क्योंकि सुबह हम डेली मतलब थोड़ा थोड़ा आटा गूंथते हैं, ताकि दूसरे सुबह भी हमारा आटा हो जाए। और ये मैंने सदफ से कहा था कि वो सारे कपड़ों को तय लगा ले, क्योंकि हम लोगों ने कल कपड़े धोए थे तो वो सारे सूख गए थे, तो इनको अच्छी तरह से वो तय लगा रही थी वो बेचारी, उसको तो इतना नहीं पता। मैं उससे सिखा रही थी कि अच्छी तरह इसको पहले हाथ से सीधा करो फिर तय लगा दो, तो वो बेचारी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी, बहुत अच्छी बच्ची है और मेरा बहुत हाथ बटाती है। और हम सब ने तो बहुत ज़्यादा बुखार गुजारा है,
मैंने, अभियान ने, अफनान ने और मेरे हस्बैंड को तो अभी स्टिल बुखार है क्योंकि उसके जो है थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है और ऊपर से हम ठंडा पानी पीते हैं, बर्फ़ का पानी, और उसकी वजह से फिर मतलब गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं हमारे। तो आप दुआ कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए। बस हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ हो चुका था, सारा काम ख़त्म हो चुका था, तो उसके बाद मैं किचन में चली गई थी और लंच की तैयारी करने बच्चों के लिए। एक घंटा रह चुका था तो ये साग था मैंने पहले से ही धो लिया था कट करके, और फिर इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर जब मुझे ज़रूरत होती है मैं पैकेट बना के फ्रीज़ करती हूँ, फिर मैं एक एक पैकेट लेती हूँ और बनाती हूँ। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।